वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं गुरमीत, आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं कंपैरिजन नहीं, मतलब एक तरीके से डिफरेंस देखेंगे कि सैमसंग का लेवल यू एंड यू फ्लेक्स हेडफोन सैमसंग का ही है ये भी। इन दोनों में ऐसा क्या चेंजेस है कि सैमसंग एक को दे रहा है हमको 2400 से 2800 तक के बीच में और एक को दे रहा है हमारा 3400 से 3800 के बीच में। तो उसके लिए हम एक बार इन दोनों को देख लेते हैं क्या क्या है। तो अगर बात करें पहले सैमसंग लेवल यू की, तो आप देख सकते हैं इस पे क्या क्या लिखा हुआ है। ऊपर सैमसंग, नीचे सैमसंग लेवल यू, फिर एक इमेज दी गई है, उसके बाद में है ब्लूटूथ स्टूडियो हैंडसेट फ्लेक्सिबल जॉइंट विद नेक बैंड हाई क्वालिटी वायरलेस स्ट्रीमिंग। नीचे की तरफ कुछ नहीं है, साइड में फिर से सैमसंग लेवल यू लिखा हुआ है, पीछे की तरफ फिर कंटेंट के बारे में कुछ दिया हुआ है एंड दिस साइड सैमसंग लेवल यू। और बात करें अगर इस वाले बॉक्स की, तो इस वाले बॉक्स में आप देख सकते हैं ऊपर सैमसंग, उसके बाद में लिखा हुआ है यू फ्लेक्स हेडफोन्स ब्लूटूथ और फ्लेक्सिबल बैंडेबल नेक बैंड बेस्ट इन क्लास टू वे स्पीकर स्टेबल ब्लूटूथ साउंड ओवर इंटरफेरेंस। पीछे फिर थोड़ा सा उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो जल्दी से कर लेते हैं इनको बाहर। तो मैंने पहले ही खोल लिया था जिससे कि काटने में टाइम खराब ना हो। तो सैमसंग लेवल यू के अंदर हमको मिलता है एक सैमसंग लेवल यू नेक बैंड, उसके अलावा 3 ईयरबड्स और एक यूजर गाइड जो कि मैंने निकाल दी साइड में पहले ही। अब इसको एक बार साइड कर देते हैं, अब देखते हैं कि इसके अंदर हमको क्या मिल रहा है। तो इसको करते हैं जल्दी से एक बार ओपन, खोल मैं सब को चुका हूं। तो ये रहा सैमसंग यू फ्लेक्स, इसके अंदर हमको मिलता है एक बॉक्स और यू फ्लेक्स नेक बैंड। बॉक्स के अंदर की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं क्या क्या है। एक चार्जिंग केबल जो कि टाइप सी नहीं है, उसके अलावा कुछ ईयरबड्स और एक क्विक गाइड। चलिए ये दोनों चीज तो सब में कॉमन है, लेकिन हमको जो ये सैमसंग लेवल यू है उसके अंदर चार्जिंग डेटा केबल नहीं मिल रही है, यू फ्लेक्स के अंदर मिल रही है। लेकिन ऐसी बात तो नहीं है ना कि 3800 के अंदर को वो चीज़ एक एक्स्ट्रा मिले के, वो तो आदमी बाहर से भी खरीद सकता है। तो अब बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। तो फिर से बैक हम आते हैं सैमसंग लेवल यू के ऊपर। तो अगर बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो क्वालिटी इसकी बिल्कुल भी बुरी नहीं है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है इसके अंदर वो ये है कि पीछे से थोड़ा मोटा है, आप देख सकते हो, और काफ़ी हार्ड भी है। इसी के दर्ज पर अगर बात करी जाए सैमसंग के यू फ्लेक्स की, तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल है और 100 डिग्री तक हम इसको बेंड कर सकते हैं। बात करें अगर मैग्नेट की, तो मैग्नेट हमको दोनों में देखने को मिलती है, और अगर देखा जाए उसके अलावा जो हमें सैमसंग लिख कर दे रहा है, मतलब सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो इसके लिए बता रहा है लेवल यू के लिए स्टैंड बाई मोड पर 500 घंटे। वैसे चार अगर हम ऑडियो मतलब मीडिया यूज़ करते हैं, सॉन्ग्स वगैरह सुनेंगे, तो 8 घंटे और कॉलिंग पर इसके 9 से 10 घंटे दिखा रहा है। सेम एज इसके लिए भी सैमसंग ये बोलता है, लेकिन इसका स्टैंड बाई 250 घंटे का है। तो अगर देखा जाए ये सोचें कि क्या है ऐसा इन दोनों के अंदर चेंज कि ये 3800 का है और ये 2400 का, तो मेरे को थोड़ा सोचने में टाइम लगा और मैंने फिर काफ़ी नोटिस किया। तो इसमें एक चीज़ सामने ये निकल कर आई, मैंने रिव्यूज़ देखे और बंदों की बातें भी सुनी, बुरा ये भी नहीं है, बट इन केस अगर आप रात को इसको लगाकर सो जाते हैं और आपको गाने सुनने की आदत है सोने से पहले, तो इसकी लाइफ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये मुड़ेगा और मुड़कर टूट भी जाएगा। बट अगर बात करें यू फ्लेक्स की, तो जिस हिसाब से इसका नाम यू फ्लेक्स है, तो ये गारंटेड मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कम से कम 1.5 से 2 साल कहीं नहीं गया। बट अगर बात की जाए वारंटी की, तो सैमसंग इसकी ऑन साइड वारंटी जो दिखा रहा है हमको 6 महीने की, दोनों की 6 महीने की वारंटी, चाहे आप इसमें यू लेवल यू लें चाहे यू फ्लेक्स लें। और अगर अब इसके अलावा बात करें इनकी
थोड़ी सी साउंड क्वालिटी की, तो क्वालिटी 500 रुपये में अगर आप इसको लेते हैं तो लेवल यू की भी क्वालिटी बिल्कुल बेकार नहीं कहूँगा मैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। बट आप जिस हिसाब से देखें कि आप दोनों में चेंज देख सकते हैं इनमें, ये वाले ईयरबड्स जो हैं आप कुछ टाइम बाद आपके कान दुखेंगे, क्योंकि मेरे को जो लगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, इनसे मेरे कान दुखे हैं। यूफ्लेक्स में ऐसा नहीं हुआ है, यूफ्लेक्स लगाने के बाद मेरे को कंफर्ट फील हुआ और मैं काफ़ी देर तक इनको आराम से यूज़ कर पाया हूँ। तो ये तो बात होगी इनकी यूज़ की, कि मतलब कंफर्ट कैसा है, और नेक में भी अच्छा कंफर्ट है इसका, लेकिन इसमें आपको थोड़ा बहुत फील होगा। लेकिन अगर आपके पास बजट 1000 रुपये कम का है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लेवल यू ही लें, और आपका बजट थोड़ा ठीक ठाक है तो आप यू फ्लेक्स ले सकते हैं। कुछ पार्ट्स में यू फ्लेक्स अच्छा है तो कुछ पार्ट्स में देखा जाए कि हमारा लेवल यू अच्छा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें हमको वायर एडजस्टिंग के लिए इसमें बैंड दी गई है, हालांकि इस बैंड की क्वालिटी इतनी कुछ खास नहीं है, बट हाँ हम इसको कर सकते हैं। सेम एज अगर इसमें देखा जाए तो आपको जो बैंड है, अगर जब आप इसे गले में डालेंगे, मैं भी डाल कर नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं भी यूज़ कर रहा हूँ इस तरीके से, मोबाइल को ही यूज़ कर रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो आप ये थोड़े लटक जाते हैं। अभी ये इसमें पैक हैं तो इस वजह से आपको नहीं लग रहे, लेकिन इनकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा है। अब बात करें अगर इसके प्राइस की, तो प्राइस मैंने आपको इसके बता ही दिए कि 3500 रुपये में ये मिल रहा है, तो इसमें 3500 वाली बात ही है, और अगर ये 2500 मिल रहा है तो 2500 वाली बात है। बहुत बंदे ऐसे थे जिन्होंने मेरे को पर्सनली सजेस्ट किया कि आप लेवल यू यूज़ करो, और काफ़ी बंदे ऐसे थे कि जिन्होंने मेरे को बोला कि आप यू फ्लेक्स ले लो, वो अच्छा है। तो मैंने सोचा कि मैं पहले आपको बताऊं कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये बुरा है ये बुरा है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि इसमें मेरे को जो फील हुआ वो यही कि ये ज़्यादा लंबा नहीं चल सकता मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे गाने सुननी क्या ज़्यादा सोते हुए, तो हो सकता है कि ये टूट जाए। और बोला भी है मेरे को कि मतलब ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है, इस तरीके से यहाँ से ब्रेक हो जाता है। उसी के साथ अगर फीचर्स देखें तो यू फ्लेक्स में थोड़े ज़्यादा फीचर हैं, उसमें हमको एक स्मार्ट असिस्टेंट का भी फीचर मिलता है। स्मार्ट असिस्टेंट फीचर की बात करो तो यहाँ सैमसंग ने एक बटन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें, इसके थ्रू हम आप अपना गूगल असिस्टेंट को एक्टिवेट कर सकते हैं इसी में, लेकिन यू लेवल यू में ऐसा कुछ भी नहीं है। और साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो साउंड क्वालिटी की दोनों की बेटर है, लेकिन अगर आप यू फ्लेक्स लेंगे तो उसमें आपको थोड़ी ज़्यादा अच्छी मिलेगी। और ये बात ठीक भी है, कंपनी अगर आपसे 1000 रुपये ज़्यादा ले रही है तो उस वो कुछ इस तरीके की चीज़ें आपको दे भी रही होगी। क्वालिटी दोनों की अच्छी है, और साउंड की बात है तो साउंड बुरी लेवल यू की भी साउंड नहीं है। और मैं ये नहीं कहता कि आप लेवल यू ना लें, अगर आपका बजट लेवल यू लेने का है तो आप लेवल यू लीजिए, मैं बिल्कुल आपको यही बोलूँगा। लेकिन अगर आप कर सकते हैं इन्वेस्ट और ज़्यादा, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप यू फ्लेक्स ले। तो यही था इनका एक थोड़ा सा क्विक रिव्यू डिफरेंस के साथ में, कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। बाकी तो ज़्यादा इसमें कुछ खास चेंज है नहीं, बैटरी का मैंने आपको बताया था, बैकअप का क्या क्या चेंज है, दोनों का सेम है लगभग जो बोल के दे रही है कंपनी। बट पर्सनल एक्सपीरियंस जो लोग के हैं वो कुछ बोलते हैं कि लेवल यू का बैटरी बैकअप अच्छा है यू फ्लेक्स के मुकाबले। तो अब आपके हैंड में है चॉइस के, मतलब आपको क्या लेना है। मेरा जो था मैंने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो फ्रेंड के साथ, बेल आइकन को भी प्रेस करो, क्योंकि आने वाले इस तरह के कंपैरिजन मैं आपको बताता रहूँगा और इन डेप्थ रिव्यू भी इनके दूंगा, क्योंकि मैं लगभग दोनों को ही यूज़ कर लूँगा। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, मैं मिलता हूँ अपने आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।